इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो किसी एयर टाइट चैम्बर के अंदर फंसी हुई थी। उस चैम्बर के अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मौजूद था और वहाँ की ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही थी। वो लेडी तो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता और अब उस चैम्बर में से किसी की आवाज आती है। दरअसल वो इस पूरे सिस्टम का AI होता है जिसका नाम माइलो था। माइलो लेडी से पूछता है कि अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो प्रॉपर कोड बताना पड़ेगा, लेकिन उस लेडी को तो कुछ भी नहीं याद होता। वो अपने नाम से लेकर सारी चीजें भूल चुकी होती है और माइलो जो उस पूरे चैम्बर का AI सिस्टम था वो कह रहा होता है कि कोड के बिना मैं आपको जाने नहीं दे सकता। और अब माइलो उस लेडी को उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाता है, जिसके बाद उस लेडी को अजीब तरीके के विजन आने लगे थे जिसमें कि वो एक माउस को दिखती है जो एक छोटे से मेज के अंदर घूमता जा रहा था। अब इन सारी चीजों का रिलेशन क्या हो सकता है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। उस लेडी ने अब माइलो से एक इमरजेंसी नंबर डायल करने के लिए कहा, जिसे कि माइलो अच्छी तरीके से सुनकर उसके इमरजेंसी नंबर डायल कर देता है। अब वो कॉल लग चुकी थी डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर को। वो लेडी तो पुलिस को सारी बातें बताती है कि वो एक चैम्बर में फंसी हुई है लेकिन उसका लोकेशन नहीं पता। लेकिन पुलिस ऑफिसर तो कह रहा था कि आपको कोई तो लोकेशन बतानी पड़ेगी जिससे कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सके और आपको बचा सके। इसीलिए वो लेडी चारों तरफ देखती है और मशीन के अंदर मौजूद एक मॉडल नंबर उन्हें बता देती है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि आप मेरी कॉल को ट्रेस करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब यहाँ कनेक्शन पूरी तरीके से टूटने के बाद उस लेडी ने माइलो से कहा कि तुम मेरा ब्लड सैंपल टेस्ट ले लो, क्योंकि उस लेडी को अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। माइलो जल्द से जल्द उस लेडी का ब्लड सैंपल टेस्ट करता है और पूरे यूनिवर्सल डेटा में उसे मैच करता है। थोड़ी देर के अंदर ही उसका मैच मिल गया था जो कि एक एलिजाबेथ हेल्सन नाम के एक साइंटिस्ट की होती है। उस लेडी को अपना असली नाम पता चल गया था जो कि एलिजाबेथ होता है, लेकिन आखिरकार वो इस जगह पर कैसे आई और क्यों मौजूद है इसका उसे कुछ अंदाजा नहीं होता। अब अचानक उसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आ जाता है जो एलिजाबेथ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था। वो पुलिस ऑफिसर एलिजाबेथ से पूछ रहा था कि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल स्टेबल है कि नहीं, लेकिन जब एलिजाबेथ ने अपनी नजर घुमाई तो वहाँ 31% ऑक्सीजन बची थी, यानी कि एलिजाबेथ के पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन ही बची हुई है। 1 घंटा पूरा होते ही वो मारी जाएगी। लेकिन पुलिस ऑफिसर एलिजाबेथ को शांत कराता है क्योंकि अगर वो इसी तरीके से पैनिक करती रही, वो पुलिस ऑफिसर तो एलिजाबेथ को उस पूरे चैम्बर में ओनर का नाम ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ को तो वहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिखाई दे रहा था। और अब तो पुलिस ऑफिसर की कॉल भी डिसकनेक्ट हो गई। कुछ ही समय के अंदर एलिजाबेथ को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। इसीलिए वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें एक मेडिसिन दे दूं जिससे कि तुम मर जाओगी और उससे तुम्हारी बॉडी को जरा भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एलिजाबेथ इन सारी चीजों को मना कर देती है और माइलो को कहती है कि मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। स्क्रीन पर तो बहुत सारी किताबें और आर्टिकल्स आ जाते हैं जिन्हें की एलिजाबेथ ने ही खुद पब्लिश किया था। उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर थी जिसने कई सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में अपना योगदान दिया है। अब एलिजाबेथ अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है जिसमें कि वो एक आदमी के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी। अब यहाँ एलिजाबेथ को पता करना था कि आखिर वो आदमी है कौन, इसीलिए वो माइलो से कहती है कि तुम इस आदमी के फोन नंबर को डायल करो क्योंकि मुझे इससे बात करनी है। माइलो ठीक ऐसा ही करता है और कॉल रिंग होने लगता है। दूसरी तरफ से किसी लेडी ने कॉल उठाया था, जिसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। लेकिन अचानक ये कन्वर्सेशन सुनकर सामने वाली औरत काफी ज्यादा चिल्लाने लगी और कॉल को तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर दिया। एलिजाबेथ को तो ये कुछ नहीं समझता कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन अब वो पूरी तरीके से इसी चैम्बर में फंसी रह जाएगी। अब इतने समय तक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने के कारण एलिजाबेथ चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैम्बर तो पूरी तरीके से लॉक था जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी अचानक एलिजाबेथ के पैर के पास वही व्हाइट चूहा दिखाई देता है जिसे कि एलिजाबेथ ने अपने विजन के अंदर देखा था। एलिजाबेथ तो उस चूहे को देखकर काफी ज्यादा डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ समय बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी मेरा एक विजन हो सकता है। अब थोड़ी देर में ही एलिजाबेथ को एक कॉल आता है जो उसी पुलिस ऑफिसर का था। पुलिस ऑफिसर ने एलिजाबेथ को बताया कि हमें तुम्हारी मदर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम अपने मदर के साथ ही रहा करती थी। लेकिन एलिजाबेथ ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली होती है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रही थी कि मैं अपने मॉम के साथ नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। पुलिस ऑफिसर बार बार यही बोल रहा होता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है, इसीलिए एलिजाबेथ ने वापस फोटोज चेक किए कि वो फोटो में किसके साथ मौजूद थी। लेकिन अब सारी फोटोज में एलिजाबेथ सिर्फ अकेले ही होती है, वहाँ पर तो उसके हस्बैंड की भी फोटोज सारी इरेज हो चुकी थी।
एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने अपने हस्बैंड को ही देखा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर बार बार एलिजाबेथ को गलत ठहरा रहा था। तभी एलिजाबेथ को पुलिस ऑफिसर के ठीक बैकग्राउंड में किसी और की भी आवाजें आ रही थी, जैसे लग रहा होता है कि वो पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे के कहने पर ये सारी चीजें कर रहा हो। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद एलिजाबेथ माइलो से कहती है कि मुझे वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाओ, जिसे बहुत ही अच्छे से सुनने के बाद एलिजाबेथ को कंफर्म हो गया था कि पुलिस ऑफिसर के पीछे जरूर कोई मौजूद है जो कि जबरदस्ती उससे ये सब करवा रहा था। पर इसके पीछे हो कौन सकता है, इसके बारे में एलिजाबेथ सोच ही नहीं पा रही थी। अब थोड़ी देर के अंदर उसी लेडी का कॉल आता है जिसने कुछ देर पहले ये कॉल कनेक्शन कट कर दिया था। वो लेडी एलिजाबेथ से कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम कहाँ हो और उस चैम्बर से बाहर निकलने का कोड क्या है, और जो इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की है अपने हस्बैंड के बारे में वो तो कब का मर चुके हैं। यहाँ से एलिजाबेथ का दिमाग थोड़ा सा चकराने लगा था क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाती। वो तो सिर्फ उस लेडी से पूछ रही थी कि मुझे इस चैम्बर से बाहर निकलने का कोड बता दो। हालांकि उस लेडी ने जल्द से जल्द कोड तो बता दिया, लेकिन वो एलिजाबेथ को वार्न करती है कि तुम भूल कर भी अपने चैम्बर में से बाहर मत आना, क्योंकि तुम इस वक्त पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के किसी दूसरे मिशन में हो, और अगर तुमने अपना चैम्बर ओपन कर दिया तो तुम अंतरिक्ष में कहीं खो जाओगी और वहां पर तो कोई ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, यानी कि इंस्टेंटली तुम्हारी मौत हो सकती है। लेकिन एलिजाबेथ परेशान होकर पूछ रही थी कि आखिरकार मुझे अंतरिक्ष में क्यों भेजा गया। तब कॉल पर मौजूद वो लेडी बताती है कि पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था और उसी वायरस की वजह से तुम्हारे हस्बैंड भी मारे गए। अर्थ पर इंसानों की संख्या इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि हम सभी ने मिलकर एक मिशन किया और कुछ लोगों को एक स्पेस मिशन के लिए रेडी किया जो 30 ईयर्स तक लगातार अंतरिक्ष में ट्रेवल करते रहेंगे एक दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए। लेकिन अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि एलिजाबेथ की नींद समय से पहले ही ओपन हो गई, यानी कि अब एलिजाबेथ को वापस सुला पाना और उसे चैम्बर से निकाल पाना दोनों ही नामुमकिन है। उस पुलिस ऑफिसर के पूछे जाने पर वो लेडी एलिजाबेथ को समझा रही थी कि पुलिस ऑफिसर को भी पता है कि तुम कहां पर मौजूद हो और वो चाह कर भी तुम्हें बचा नहीं सकते, इसीलिए वो तुम्हें बातों में घुमाकर परेशान करके ऑक्सीजन लेवल कम कराना चाहते हैं जिससे कि तुम ज्यादा समय तक तड़पे बिना वहीं मर जाओ। लेकिन अब साथ ही साथ वो लेडी एक तरीका बताती है जिससे कि एलिजाबेथ बच सकती है। वो कह रही थी कि तुम्हें हाइबरनेशन मोड पर जाना पड़ेगा, लेकिन हाइबरनेशन मोड तभी पॉसिबल हो सकता था जब ऑक्सीजन लेवल 2% पर हो। ये वो स्टेट होती थी जब ह्यूमंस के दिमाग तक ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है और अगर जरा सी भी गलती हुई तो एलिजाबेथ तुरंत ही मारी जाएगी। ये सारी बातें करने के बाद अब वो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। एलिजाबेथ को अब समझ में आ चुका था कि वो चाहे जो भी कर ले इस जगह से बाहर नहीं निकल सकती और अब तो वो अंतरिक्ष में है, यानी कि वो कहीं जा भी नहीं सकती है। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसके पूरे सिस्टम के कई सारे पार्ट्स खराब हो चुके थे जो बहुत ही ज्यादा ओवरहीट हो रहे होते हैं। यही रीजन होता है कि वहां की ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से नीचे गिर रही थी, यानी कि अब उसके पास 20 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ होता है जिंदा रहने के लिए। इस मोमेंट पर एलिजाबेथ को काफी सारे पुराने विजन्स याद आने लगे थे जिसमें कि वो अपने हस्बैंड लियो का ट्रीटमेंट कर रही होती है क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। एलिजाबेथ नहीं समझ पा रही थी कि वो अपने हस्बैंड को कैसे बचाए, लेकिन एलिजाबेथ का हस्बैंड जिसका नाम लियो था वो समझ गया होता है कि उसे बचाना नामुमकिन है, इसीलिए वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर कहता है कि हम आगे चलकर जरूर मिलेंगे। वो समय एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो अपने सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान को खोते हुए देख रही होती है, क्योंकि वो अपने सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान को अपने सामने मरते हुए देख रही होती है। कुछ ही समय के अंदर अंदर लियो की तरह कई सारे इंसान मारे गए और अब अचानक एलिजाबेथ होश में आ जाती है। उसके अंदर तो अब जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, इसीलिए अब उसने बहुत ज्यादा सोचकर डिसीजन लिया कि वो इस चैम्बर का डोर ओपन कर देगी जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अंतरिक्ष में पहुंचकर खुद की जान ले लेगी। लेकिन ये चीजें करने से पहले एलिजाबेथ ने माइलो को कमांड दिया कि तुम मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट कर दो जिससे कि मैं बाहर क्या हो रहा है वो अच्छी तरीके से देख पाऊं। माइलो अब सारी स्क्रीन्स को हटाने लगता है और उसे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बना देता है। यहाँ एलिजाबेथ पूरी तरीके से चौंक गई क्योंकि वो सच में अंतरिक्ष में मौजूद थी और वो सिर्फ अकेली नहीं होती है, उसके साथ 10,000 ऐसे लोग थे जो अपने अपने चैम्बर में कब से हाइबरनेशन में मौजूद थे और वो सभी स्पेस मिशन के दौरान कई सालों के लिए अंतरिक्ष में ही रहेंगे। एलिजाबेथ अब सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन चेक करने लगी थी जिसमें कि उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड लियो भी एक चैम्बर में मौजूद है, लेकिन अब एलिजाबेथ की स्क्रीन पर वो सारी
पुरानी इन्फॉर्मेशन आने लगी जिसने उसे कभी कमांड ही नहीं दिया होता। उस पूरी इन्फॉर्मेशन में एलिजाबेथ को एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर वो खुद को देख पा रही थी। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर तो वही चूहा मौजूद होता है जिसे कि मेस के अंदर छोड़ा गया था, और इसी तरीके से कई सारे चूहों को उसके अंदर छोड़ा गया जो मेस को क्लियर करके बाहर निकल जाते। जो भी चूहा मेस को क्लियर करता उसके सारे जेनेटिक्स और उसकी सारी यादें एक दूसरे क्लोन चूहे के बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाती, और जब उस क्लोन वाले चूहे को मेस के अंदर छोड़ा जाता तब वो एक ही बार में मेस को क्लियर कर लेता, क्योंकि उसके अंदर पुराने वाले चूहे की जेनेटिक्स और यादें मौजूद हैं जिसने कि काफी पहले ये मेस क्लियर कर लिया था। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी अप्लाई किए जाने लगे, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी वो और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ है, और जो लेडी लगातार एलिजाबेथ से कॉल पर बात कर रही थी वो तो उसका पुराना वाला वर्जन है जो कि अभी भी पृथ्वी पर मौजूद थी। यानी कि चैम्बर में जो लेडी मौजूद है वो एलिजाबेथ का क्लोन है और उसके अंदर भी एलिजाबेथ की सारी जेनेटिक्स और यादें मौजूद थी। तभी तो एलिजाबेथ को धीरे धीरे सारी चीजें याद आ जाती है। यानी कि एलिजाबेथ का हस्बैंड लियो का भी क्लोन इस जगह पर मौजूद है जिसके अंदर मरने से पहले एलिजाबेथ के हस्बैंड लियो की सारी यादें मौजूद थी, और यही रीजन होता है कि लियो ने मरने से पहले एलिजाबेथ से कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे। एलिजाबेथ के क्लोन को अब सारी की सारी बातें समझ जाती है। एलिजाबेथ जो काफी ज्यादा परेशान थी वो देखती है कि उसकी चैम्बर की ऑक्सीजन अब लगातार कम होने लगी है। वो तो अब 4% तक पहुंच गई थी जिससे कि एलिजाबेथ को हेलुसिनेशन आने लगे। सबसे पहले एलिजाबेथ माइलो को कमांड देती है कि तुम चैम्बर का डोर ओपन मत करना, और अब एलिजाबेथ खुद को हाइपर स्लीप में डालने का प्रोसेस चालू कर रही थी। यानी कि उसे करेक्ट 2% ऑक्सीजन पे खुद को हाइपर स्लीप में डालना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ समय के अंदर ही मारी जाएगी। एलिजाबेथ सारी इक्विपमेंट्स अपने बॉडी पर लगा लेती है और वेट करने लगती है ऑक्सीजन के 2% होने का। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हुई जब उसने देखा कि ऑक्सीजन लेवल 2% से भी कम हो चुका है, यानी कि अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तभी एलिजाबेथ चैम्बर के AI सिस्टम माइलो से पूछती है कि तुमने जैसे बताया कि मेरी तरह इस जगह पर कई सारे चैम्बर्स मौजूद हैं, तो क्या कुछ ऐसे चैम्बर्स भी वहाँ पर पोजीशनड हैं जिसके अंदर कोई नहीं मौजूद है, यानी कि उसमें रहने वाले इंसान अब मर चुके हैं। माइलो कहता है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे चैम्बर्स मौजूद हैं। तो एलिजाबेथ ने कहा कि क्या मैं उन चैम्बर्स की ऑक्सीजन अपने चैम्बर में ट्रांसफर कर सकती हूँ कि नहीं। माइलो कहता है कि आप ऐसा जरूर कर सकती हो, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमांड देना पड़ेगा। अब एलिजाबेथ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे कमांड दे ही देती है, जिसके तुरंत ही बाद माइलो ने दूसरे चैम्बर में से एलिजाबेथ के चैम्बर में ऑक्सीजन डालना स्टार्ट कर दिया और उसकी पूरी बॉडी हाइपर स्लीप में जाने लगी। धीरे धीरे करके एलिजाबेथ पूरी तरीके से बाकी लोगों की तरह कवर्ड हो जाती है, और अब उसके भी चैम्बर का ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल हो चुका था, जो बाकी सारे चैम्बर्स के साथ अब दूर कहीं अंतरिक्ष में निकल गई। यहाँ अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ और बाकी सभी इंसानों के क्लोन्स एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गए थे, और इसी प्लेनेट पर जाने का उन सभी का मिशन भी था। यानी कि वो सभी लोग इंसानी सभ्यता को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर करने में कामयाब हो गए, और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।